अनम और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दर्शक जो हुए और हम आप सब लोग इसमें शरीक हैं और उस चीज़ को एक मुहिम कर रहे हैं और एक अलग से जोत लगाने की बात है। तो आइए चलते हैं बहुत खूबसूरत प्रोग्राम की ओर जिसका नाम है कथक के संग हज़ारों रंगों के संग। खास दिन है और इस मौके पे हम सब लोग यहाँ जमा हैं और ये जमा इस बात का सबूत कैसा है कि कला के प्रति जो लोगों का है, हमारा जो धरोहर है, कितना समर्पित है। और इसमें बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे आर्टिस्ट और इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और उसी मुहिम से जुड़ा हुआ एक आगे बढ़ता हुआ एक सफ़र तय कर रही है आशावरी पवार, जो बहुत सालों से, बल्कि उनके फादर, उनके माँ बहुत ही बड़ी शख्सियत रही हैं और उन्हीं की धरोहर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। हमें खुशी है कि आज उन्होंने कलाश्री के ज़रिए आज का प्रोग्राम जो कथक के रंगों के संग कायम किया है, इसमें आप सबके आगमन से हम बहुत खुश हैं। और मैं बहुत ही खुश नसीबी मानती हूँ सारे आर्टिस्टों को, जो यंग डांसर्स हैं और जो हमारे कुलीग हैं, उनके स्टूडेंट्स भी हैं और उनकी बेटी भी है, वो इस बात का सबूत दे रही है कि आप इतने अच्छे तरीके से अपनी कला को स्थापित कर रही हैं और खुशी से इसको बढ़ा रही हैं। और इसमें एक आयामी तरीके की चीज़ों को देख रही है, क्योंकि कथक एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म ना करके इन्होंने हर एक रंग को एक ही रंग में देखने की कोशिश की। तो रंग में आप इसके एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं और विभिन्नता में एकता भी देख सकते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार में जो विभिन्नता का, एकता का जो संदेश है हमारे इंडिया का, वही इसका हमारा एक मूल तत्व है कि इतने तमाम गर्दिशों के बावजूद भी हमारा एक मकाम है और ये ऋषि मुनि की जगह है। तो क्या बात है, वो यही बात है जो मुझे समझ में आती है कि जो हमारी है वो है विविधता में एकता। सावरी जी के साथ तो बहुत साल से हम जुड़े हुए हैं। पहले तो कथकली परफॉर्मेंस के साथ आए थे मैं इनके पास, उसके बाद बिटिया भरतनाट्यम भी तो उसके साथ से उसी प्रोग्राम में कर रही है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इंडियन कल्चर, इंडियन परंपरा, इंडियन संस्कृति को जो है बहुत आगे बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्लासिकल डांस के बारे में कई लोग जो है आज भी अनजान, बट जिसको फ्यूज़ करना, जिसको कई एक ही मंच पे सबको लेके आने से, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़ा अपना कल्चर के बारे में पहचान मिले और उनको बहुत अच्छा लगे। आज का न्यू जनरेशन, क्योंकि मैं एक स्कूल का अध्यापक भी हूँ, काफ़ी साल से 32 साल से एक स्कूल में हूँ, तो आजकल का जनता जो है कई बाहर के देश की तरफ भागते जाते हैं। सो हमारा कल्चर को पहचानना, इसी तरह प्रोग्राम, इसी तरह का फ्यूजन बहुत आगे आने वाले पीढ़ियों को बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम दोनों का एक अलग होगा एंड हम लोग तीनों कर रहे हैं, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक कर रहे हैं। तो आशावरी जी की इसलिए कला से इतना अच्छा काम कर रहा है, नया मतलब यंग जनरेशन को लेके कर रहा है एंड कला को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय कला को जो आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने मूव दिखाया, बहुत अच्छा लग रहा है। जी ने बोला है, वो सही बोला है, विभिन्नता में एकता है। और यहाँ पर हम लोग सब में उड़ीसा, ये साउथ एंड वो मराठी, तो ऐसे हम लोग सारे, ऐसे देखा जाए तो हम लोग भारत यहाँ पर, और मैम है बाहर से, अमेरिका से, और लेकिन वो इंडिया के हो चुके हैं टोटली सरन जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली इन लोगों के सामने डांस करना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। आज मैं यहाँ भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे लिए ये स्टेज बहुत बड़ा स्टेज है, क्योंकि सारे गुरुज के बीच में मेरे को एक छोटा सा अवसर मिला है अपना डांस दिखाने के लिए, और मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ।